गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन, आप सभी को प्रणाम। हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी संत महात्मा हुए हैं उन सभी ने गायत्री महामंत्र की महिमा का गान किया है। तो आइए हम जानते हैं कि महापुरुषों ने गायत्री मंत्र के विषय में क्या क्या कहा है। हिंदू धर्म में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं, अलग अलग बातों के संबंध में परस्पर विरोधी मतभेद भी हैं, पर गायत्री मंत्र की महिमा एक ऐसा तत्व है जिसे सभी संप्रदायों ने सभी ऋषियों ने एक मत से स्वीकार किया है। अथर्ववेद में स्तुति की गई है जिसमें उसे आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाला कहा गया है। विश्वामित्र का कथन है, ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों का सार तीन चरण वाला गायत्री मंत्र निकाला है। गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला कोई मंत्र नहीं। जो मनुष्य नियमित रूप से 3 वर्ष तक गायत्री का जाप करता है वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो द्विज दोनों संध्या में गायत्री जपता है वो वेद पढ़ने के फल को प्राप्त करता है। अन्य कोई साधना करें या ना करें, केवल गायत्री जप से भी सिद्धि पा सकता है। नित्य 1000 जप करने वाला पापों से वैसे ही छूट जाता है जैसे केंचुली से सांप छूट जाता है। जो द्विज गायत्री की उपासना नहीं करता वो निंदा का पात्र होता है। योगीराज याज्ञवल्क कहते हैं, गायत्री और समस्त वेदों को तराजू में तोला गया। एक ओर 6 अंगों समेत वेद और दूसरी ओर गायत्री, तो गायत्री का ही पलड़ा भारी रहा। वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार व्याहतियों समेत गायत्री है। गायत्री वेदों की जननी है, पापों का नाश करने वाली है। इससे अधिक पवित्र करने वाला अन्य कोई मंत्र स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, केशव से श्रेष्ठ कोई देव नहीं। गायत्री से श्रेष्ठ मंत्र ना हुआ ना आगे होगा। गायत्री जप कर लेने वाला समस्त विद्याओं का वेत्ता, श्रेष्ठी या क्षोत्रिय हो जाता है। जो द्विज गायत्री परायण नहीं वो वेदों का पारंगत होते हुए भी शूद्र के समान है। अन्यत्र किया हुआ उसका श्रम व्यर्थ है। जो गायत्री नहीं जानता ऐसा व्यक्ति ब्राह्मणत्व से च्युत और पापयुक्त हो जाता है। ऋषि पाराशर जी कहते हैं, समस्त जप सूक्तों तथा वेद मंत्र में गायत्री मंत्र परम श्रेष्ठ है। वेद और गायत्री की तुलना में गायत्री का पलड़ा भारी है। भक्ति पूर्वक गायत्री का जप करने वाला मुक्त होकर पवित्र बन जाता है। वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास पढ़ लेने पर भी जो गायत्री से हीन है उसे ब्राह्मण नहीं समझना चाहिए। शंख ऋषि का मत है, नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली गायत्री ही है। उससे उत्तम वस्तु स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई नहीं है। गायत्री का ज्ञाता निस्संदेह स्वर्ग को प्राप्त करता है। शौनक ऋषि का मत है, अन्य उपासना करें चाहे ना करें, केवल गायत्री जप से ही द्विज जीवन मुक्त हो जाता है। सांसारिक और पारलौकिक समस्त सुखों को पाता है। संकट के समय 10,000 जप करने से विपत्ति का निवारण होता है। अत्रि मुनि कहते हैं, गायत्री आत्मा का परम शोधन करने वाली है। उसके प्रताप से कठिन दोष और दुर्गुणों का परिमार्जन हो जाता है। जो मनुष्य गायत्री तत्व को भली प्रकार से समझ लेता है उसके लिए इस संसार में कोई सुख शेष नहीं रह जाता। आइए अब जानते हैं महर्षि व्यास जी क्या कहते हैं गायत्री मंत्र के संबंध में।
जिस प्रकार पुष्प का सार शहद, दूध का सार घृत, उसी प्रकार से समस्त वेदों का सार गायत्री हैं। सिद्ध की हुई गायत्री कामधेनु के समान है। गंगा शरीर के पापों को निर्मल करती है। गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा से आत्मा पवित्र होती है। जो गायत्री छोड़कर अन्य उपासनाएं करता है, वो पकवान छोड़कर भिक्षा मांगने वालों के समान मूर्ख है। काम्य सफलता तथा तप की वृद्धि के लिए गायत्री से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। भारद्वाज ऋषि कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवता भी गायत्री का जप करते हैं, वो ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाली है। अनुचित काम करने वालों के दुर्गुण गायत्री के कारण छूट जाते हैं। गायत्री से रहित व्यक्ति शूद्र से भी अपवित्र है। जो ब्रह्मचर्य युक्त गायत्री की उपासना करता है और आंवले के ताजे फलों का सेवन करता है, वो दीर्घजीवी होता है। नारद जी कहते हैं, गायत्री भक्ति का ही स्वरूप है। जहाँ भक्ति रूपी गायत्री है, वहाँ श्री नारायण का निवास होने में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। ऋषि वशिष्ठ जी कहते हैं, मंदमती, कुमार्गामी और अस्थिरता भी गायत्री के प्रभाव से उच्च पद को प्राप्त करते हैं। फिर सद्गति होना निश्चित है। जो पवित्रता और स्थिरता पूर्वक गायत्री की उपासना करते हैं, वे आत्म लाभ को प्राप्त करते हैं। इन सारे अभिमतों से मिलते जुलते अभिमत प्रायः सभी ऋषियों के हैं। इससे स्पष्ट है कि कोई ऋषि अन्य विषयों में चाहे अपना मतभेद रखते हों, पर गायत्री के बारे में उन सब में श्रद्धा थी और वे सभी अपनी उपासना में उसका प्रथम स्थान रखते थे। शास्त्रों में, ग्रंथों में, स्मृतियों में, पुराणों में गायत्री की महिमा तथा साधना पर प्रकाश डालने वाले सहस्त्रों श्लोक भरे पड़े हैं। इन सब का संग्रह किया जाए तो एक बड़ा भारी गायत्री प्राण बन सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि सारे ऋषियों महर्षियों ने गायत्री की महिमा का कैसे गान किया है। अगले वीडियो में हम वर्तमान में जो ऋषि मुनि हुए हैं, जो संत हुए हैं, उन्होंने गायत्री के विषय में क्या कहा है, ये जानेंगे। आज के लिए इतना ही।